हेलो गाइस, आज मैं अपने वीडियो के साथ। और तो आज की वीडियो में जैसे कि तुम्हें पता है, हाँ थोड़ा ऐसा हाँ सही आ रहा होगा। हाँ तो जैसे कि तुम्हें पता है, रिव्यू होगा आज। देखो अब लगातार ना मैं कल की एक वीडियो पढ़ी है, उसको मैं लेट डालूंगा क्योंकि मेरा सेचुरेशन आ चुका था कल की वो लेकर। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई, पर बहुत ज़्यादा देख ली शायद, तो मेरा ना दिमाग भर चुका है। अभी मैं उसको ना आराम से करूँगा, जब लोग हो जाएंगे ना फेड अप के, अरे बहुत ज़्यादा हो गया है, अब नहीं बनाएंगे भाई बहुत ज़्यादा, तब मैं आऊँगा एक लास्ट वीडियो के साथ। उसके बाद नहीं डालूंगा कल की कोई वीडियो, उसके बाद शायद से थ्योरी वीडियो और एक और डाल दूँ बीच में। बट इस महीने बहुत दो वीडियो आएंगी उसके ऊपर, और वो मैं डालूंगा धीरे धीरे। बट अभी जो चल रहा है, जो कल डाला, जो आज तुम देखने वाले हो, और जो अभी कुछ दिन चलेगा जब तक नया सीज़न नहीं आ जाता। हाँ, सीज़न 6 पार्ट 1 आने वाला है कोबरा काय का 16 जुलाई को, तो मज़ा तो आने वाला। देखो क्योंकि कोबरा काय ऐसी सीरीज है जो ग्राउंडेड रह करके जो तुम्हें स्टोरी में इंडल्ज करती है, वो शायद से बहुत रेयर केसेस में स्टोरीज के साथ होता है, ऐसी स्टोरीज के साथ। मतलब तुम लास्ट टाइम खुद ही सोचो कि तुमने कब ऐसी फाइटिंग स्टाइल मूवी देखी थी जिसमें तुम इंडल्ज हो गए हो लिटरली, और उसको दो एपिसोड देखने के बाद छोड़ने का मन नहीं करता। मुझे लगता है ऐसा कुछ मैंने लास्ट टाइम अभी 5 सालों में कहीं देखा है। 5 सालों में तो नहीं देखा क्योंकि मैं 5 सालों में भर भर के मूवी देख चुका हूँ। ठीक है, तो अब रिव्यू से स्टार्ट करते हैं सीजन 2 कोबरा काय। तो पहले ही एपिसोड में जब वो कस्टमाइज कर लेता है अपनी कार कोबरा काय वाली, वो बहुत तगड़ा लगता है। वो जो दिखाते हैं 2-3 शॉट ही दिखाते हैं कि वो कस्टमाइज़ कर रहा है अपनी कार को, और वो जो जब एंड रिजल्ट मिलता है इतना ऑसम बैड एज भाई, मजा मेरी भी कर दी यार। किसी दिन मैं बनाऊंगा तो लकी बॉय अपनी गाड़ी पे अपने लो वो अपना बिल्कुल कस्टमाइज कराऊंगा अपने चैनल के हिसाब से। हाँ, एक तरफ एक चैनल एक तरफ है वो। हाँ, कितना तगड़ा लगेगा मेरे लोगों का फेस। हाँ, शेड पे अच्छा लगेगा। अबे यार कितना बढ़िया लगेगा। एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है पार्टनरशिप ऑफ एपिसोड 2 में दिखाया जाता है दो कपल्स की पार्टनरशिप जो कि अच्छी चल रही है। बट मैं एक पर्सनली जो सैम वाला, मतलब जो सैम और रॉबी के बीच में चल रहा है, मैं उससे थोड़ा बहुत मतलब नहीं है मुझे वो पसंद जो है, बट ठीक है झेल लेंगे। बहुत जो टीचर्स हैं उनके ट्रेडिशंस को लेके उनकी खुद की टेक्निक्स हैं, और वो बहुत अच्छे से दिखाई जाती हैं कि उन दोनों के पॉइंट्स अलग हैं। एक चाहता है बैलेंस डिफेंडिंग, दूसरा चाहता है बस बैडनेस और अटैकिंग। देख रहे हो बिल्कुल ही ओपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं ये लोग। और टेक्निकली देखा जाए दूसरे एपिसोड में जो मियागी डो वाले हैं उन लोगों ने, मतलब एल रूसो ने, डैनियल एल रूसो ने भाई कमाई छीन ली है भाई, अगर देखा जाए कोबरा काय की भाई। क्योंकि कोबरा काय में जो लॉरेंस था, जॉनी लॉरेंस अपना, वो तो कमाई उससे कर रहा है ना। उसके पास उसने अपने पापा का धन छोड़ दिया, उसके पास और कोई काम भी नहीं है, वो इससे काम पैसा कमा रहा था। तो एल रूसो कह रहा है ऐसे कैसे, मैं फ्री में सिखाऊंगा। तो गलत है ये, ऐसे मत करिए, किसी को बिजनेस पे लात नहीं मारनी चाहिए। देखो एंड ऑफ द एपिसोड हमें पता चल ही जाता है कि बिजनेस इस वैली में कहीं किसी का चलेगा तो वो जॉनी लॉरेंस ही होने वाला है, क्योंकि कौन नहीं बैडेस बनना चाहता आज के टाइम में, मुझे ये बताओ। और वो भी इतना कूल कॉस्ट्यूम के साथ, एक बंदा तुमने जो बिल्कुल ही नीचे था उसको इतना तगड़ा वो दे दिया बूम कि हॉक बन चुका है वो। इलाय से हॉक की जर्नी बहुत तगड़ी है उस बंदे की यार, लिटरली। एक शॉट है बहुत प्यारा शॉट है, उसमें ना बिल्कुल क्लासिक कराटे किड की याद आ जाएगी तुम्हें। वो एक शॉट है जिसमें वो 90s की कार बीच साइड पे चला रहा है, एल रूसो, डैनियल एल रूसो अपनी बेटी और रॉबी के साथ। वो बहुत ही एक सेकंड के लिए मैं पहुंच गया था उस पुराने टाइम में। हाँ, वो उसकी कलर ग्रेडिंग भी कुछ शॉट की ऐसे कर रखी है उन लोगों ने ताकि सबको थोड़ा पास्ट का दिमाग में आ जाए चीज़ें। देखो एल रूसो और मियागीडो बहुत अच्छा कराटे करते हैं, बट एक चीज़ मैं चाहूँगा, जो अपनी सैम है उसको मैं अपने लीड के साथ ही, मतलब अगर मेरे अलावा किसी के साथ देखना चाह रहा हूँ तो मैं मिगेल भाई प्लीज़ उसके साथ दिखाओ उसको, नहीं तो छोड़ो। तो हमें सीरीज़ में समझ आता जा रहा है जैसे कि लॉरेंस कहीं जाता है, जब उसके डो पे सिर्फ अकेला कोबरा काय पे सिर्फ एक क्रीस होता है, तो वो हॉक को मैनिपुलेट करना चाहता है, धीरे धीरे कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है बंदे को। तो इसका रिडेम्पशन हमें दिखेगा ज़रूर आगे, मेरे को लगता तो है। और मिगेल के इमोशन हमें पता चलते हैं कि वो बंदा बहुत प्योर है, मिगेल डीएस बहुत प्योर है अंदर से। बट हॉक को रिवोक होना पड़ेगा क्योंकि हॉक नहीं हो रहा रिवोक अभी तो जा रहा है बैड पाथ पे ऐसे चलते चलते। और ये भाई ये क्रीज जहाँ मेरे को दिख जाता है ना, ये मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। उसने फिर आके एक बार फिर से कोबरा काय की ऐसी तैसी करना चालू कर दिया है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बट क्या कर सकते। और जब तुम देखते हो जॉनी लॉरेंस को वो अपने दोस्तों के साथ, जब कराटे किड वाले दोस्त हैं उसके पूरी गैंग जब एक साथ होती है और वो बाइक राइड पे निकलते हैं एक बंदे के एंड मोमेंट पे, वो बहुत क्लासी लगता है यार। ऐसा करने का तो मन है कभी 40-50 साल की एज में, मतलब इतनी जल्दी मर नहीं रहे हम, बट एक होता ना कि एक एज से पहले जब हम इन्जॉय कर सकें, तो 40-50 साल की उसमें बाइक ट्रिप करनी है यार,
फील है, कहीं आस पास ही चल लेंगे बट चलेंगे ठीक है। टाइम इज नॉट फॉर यू बडी, जस्ट डू वट यू वॉन्ट टू डू। ये कुछ मोटिवेशन लाइन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, शायद से तुम्हें लग रहा होगा टाइम जा रहा है टाइम आ रहा है, टाइम चलता रहेगा, तुम्हें बस अपनी मेहनत करते रहने कॉन्स्टेंट वे में। मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट एक दिन आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, जो भी बंदा उस एक लक्ष्य की तरफ मेहनत कर रहा है, उन सबको उनके लक्ष्य तक पहुँचने तक कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो उनकी डिफाइंड सक्सेस हो ना हो, बट हाँ सक्सेस होगी। कोबरा काय नेवर डाइज, और कोबरा काय वापस आ चुका है, अब देखेंगे क्या होगा। हॉक एंड मिगेल की दोस्ती बहुत तगड़ी लगती है, मतलब जो जब किसी को बुली भी कर रहे होते हैं तो मिगेल शांत करता है आपको कि नहीं करना ये हमें, बट एट द एंड जब वो जाते हैं टूर्नामेंट में एक साथ, बातचीत है। और सैम एंड रॉबी, आई वॉन्ट टू से प्लीज़ नहीं, मैं नहीं देख पाऊँगा प्लीज़ नहीं, ऐसा मेरा रिएक्शन है जब मैं सीरीज़ में देख रहा था, ऐसा कुछ उनके बीच में केमिस्ट्री बनते हुए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद पता नहीं कैसे, बट मैंने एक मूवी देख रखी है शायद से उस वजह से, उसका नाम मैं बस नाम ही बताऊंगा, देखो पोस्टर भी लगा सकते हो मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सब आराम मिल जाओ, ये रहा नाम इसीलिए। और जो मिगेल एफर्ट्स मार रहा है सैम को वापस से बनाने की, वो एफर्ट्स रिसीव ही नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, रॉबी भाई साहब, रॉबी भाई आते हैं कि अभी देखो अभी मेरी एंट्री हुई है, अगर मैं तुम्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री ले दूंगा तो जो मेरे चांसेस हैं वो जीतने के वो ख़त्म हो जाएंगे ठीक है। तो मिगेल यहाँ बन चुका है अभिषेक मलन और वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है सिस्टम की रॉबी के रूप में। और जो जॉनी भाई का मिगेल की मम्मी के साथ अलग ही चल रहा है दिमाग में ही, वो अलग जी रहे हैं, वो अलग फाइट इमेजिन कर रहा है भाई, पहला एक स्टार्टिंग एपिसोड में वो पूरा एक शॉट है कि हाँ भाई मैं तो फाइट करना चाहता हूँ, बट कौन करे कराटे वाली फाइट, मैं तो अलग फाइट करना चाहता हूँ, वो देख के ठीक है, उस पर ओपिनियंस हैं भाई, बढ़िया था जो भी था ठीक है। क्रीस ने जॉनी को फिर से रास्ते से हटा दिया, और अब होने वाला है शोडाउन, सैम वर्सेस स्टोरी, मतलब जो हो चुका है बट अब जा रहा है लेवल उसका ऊपर तगड़े में। और तुम मानो या ना मानो, दो सीज़न देख के मुझे ये समझ आ चुका है कि जो अपना जॉनी और डैनियल है, वो दोनों एक दूसरे की किस्मत में बिल्कुल पजल पीसेज जैसे हैं, वो जुड़ के ही एक होते हैं, मतलब वो दोनों ना हो ना तो उनकी लाइफ में जो एक पजल पीस है वो गायब ही रहेगा ज़िंदगी भर। और दोनों जिसको डेट कह के लेके आए थे अपने पार्टनर्स को, एक मिगेल की मम्मी को और एक खुद की समेंथा की मम्मी को, तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग जो कर रहे हैं उसे डेट नहीं कहते, तुम सालों लड़ रहे हो, तुम लोगों को एक टेबल पे होना चाहिए, लड़ो फिर, लड़कियों को लेके आए उनसे बात कर रहे हैं, हाँ मैं तो इससे बढ़िया खेलता हूँ, हाँ मेरे बच्चे ने इसके बच्चों को बेला था, बताओ इसकी फाउल गेट थी जिस दिन मैं जीता, और आए डेट पे। अब जैसे कि हॉक इतना बैडल्स होने के बाद भी, कूल होने के बाद भी अकेला रह चुका है, तो तुम्हें पता है कि वो बुली हो चुका है, बुली करता है लोगों को, तो अब उसके दिमाग में और डबल साइकोलॉजी उल्टी घूमेंगी कि भाई मेरे को बुली करने की वजह से हटाया तो अब मैं और बुली करूँगा, समझ रहे हो, उसे ये लगेगा कनेक्टेड है दोनों बट है नहीं। तो फाइनल एपिसोड में मैं अब आ चुका हूँ, एपिसोड 10 फिनाले ऑफ दिस सीजन, ऐसे ही 4 सीज़न और हैं, 3 सीज़न और हैं, उनका रिव्यू भी अलग से लाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक वीडियो को 15 से 17 मिनट लंबी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको एडिट करने में खींच खींच के मैं 10 मिनट लाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा लाऊं, बट व्यूज़ ऑब्वियसली मैटर्स। और भाई चाहे कोई कितना भी बोले वो बैड एज लगती है, वो सारी जो कराटे फाइट चल रही होती है हर जगह ही, मतलब जहाँ जहाँ फिनाले आया और जो कराटे फाइट चल रही है, एक ना भाई वो है अपरंपार मजे होते हैं ना जो चाहिए एक टीनेजर को, वो अगर खुद ना लड़ सके तो एक वो एड्रेनल रश होता है, वो देख के ही लड़ाई मज़ा जो आता है वो है इसमें। हमें समझ आता है कि जॉनी 3 मूवी में 2 सीजन्स में चाहे कितना भी अच्छा हो जाए उसके साथ होता है, एटलास्ट बुरा ही है, पता नहीं क्यों बट होता है। अब इस सीज़न का फिनाले आ चुका है, और जो ओनर है अब वो कोबरा काय का जॉनी लॉरेंस नहीं रहा, कुछ और फिगर आउट करेंगे, बट हाँ वो सब पता चलेगा तो मैं नेक्स्ट सीज़न में। और सीज़न 3 की बातचीत करने के लिए आते रहना मेरे चैनल पे जिसका नाम है अल्फा बॉयड, और तुम्हें मज़े मिलेंगे, लिटरली मज़े मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं कितने मज़े कर रहा हूँ, तो तुम्हें उसका 50% भी दे पाया ना वीडियो में तो तुम ज़रूर जाके देखोगे, और मैं वही चाहता हूँ कि तुम एक्सपीरियंस करो इस चीज़ को, ये मास्टरपीस है भाई जो यूट्यूब ने बना दिया था बहुत मेहनत से, भाई मेहनत तो लगी होगी, तुम 50-30 साल बाद उन्हीं एक्टर्स को मना रहे हो, सारे उन्हीं एक्टर्स को ज़्यादातर कि प्लीज़ प्लीज़ भैया कर लो, अच्छी स्टोरी लिख के दूंगा प्लीज़ कर लो, तो उस पैलेट को समझ रहे हो तुम, इसलिए अच्छी सीरीज है। तो गो एंड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स, और नहीं तो यूट्यूब पर पहले 2 एपिसोड पहले सीजन के मिल जाएंगे तुम्हें फ्री में, देख सकते हो भाई 144 मिलियन समझते हो, 144 मिलियन पहले एपिसोड की हाइप थी, कितनी हाइप होगी, 7 साल हो गए हैं उसको, बट तब भी यार बहुत ज़्यादा ही है 6 साल के हिसाब से भी, सोचो अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें सिर्फ
एक अकेला इंडिविजुअल यूट्यूबर ये जो एक ये माइलस्टोन अब अचीव कर सकता है, जिसका नाम है मिस्टर बीस्ट, टॉप का यूट्यूबर, टॉप 1% में जो आ रहा है, मतलब वही है सबसे टॉप पे अभी तो इंडिविजुअल क्रिएटर देखें, उससे आसपास कोई नहीं है जो इस माइलस्टोन को हिट भी कर सके, टच भी कर सके, टिक, ऐसी बातचीत। तो आज की बातचीत इतनी रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़र से दुरुस्त रहना और आते रहना मेरे चैनल पे, हाँ जैसे मैंने दूसरी बार बोला, और हाँ आएंगी और वीडियोज़ भी आएंगी। बाय बाय।